हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीलॉग में मैं आपको यहाँ की स्प्रिंग की खूबसूरती दिखाता हूँ कि यहाँ पे चेरी ब्लॉसम ऐसे हवाओं में उड़ रहे हैं और रोड पे ऐसा पड़े जैसे कि बर्फ़ पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी असल में टाइम है स्प्रिंग का और यहाँ पे चेरी ब्लॉसम के जो दरख्त होते हैं वो इस पर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते के टाइम में होता है कि दोबारा सारे जो फूल होते हैं ना ये गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो दो से तीन हफ्तों में ये बहुत प्यारा लग रहा होता है सीन। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे होंगे चेरी ब्लॉसम के दरख्त।
यहाँ पे लोगों ने इस तरह की कारीगरी की होती है दीवारों पे, यहाँ पे वो नहीं लिखा होता यार कि मंजन बेच रहे हैं या आप की दांतों के दर्द के लिए रुजू करें ये वो। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा आर्ट किया था लोगों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह पे, ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा होता है इनको देखने से। यहाँ पे अगर आप कभी इरादा करें फ्रांस आने का तो स्पेशली जॉब वगैरह के लिए या इवन एजुकेशन के लिए भी, तो लैंग्वेज यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हर हाल में जो है वो सीखनी होती है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज आपको जॉब ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टीज होंगी, जैसे कि अभी मुझे हो रही है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी, मगर यह है कि अगर आप स्टडी वीज़े पे आना चाह रहे हैं तो कोशिश करें लैंग्वेज का कुछ हद तक जो है वो आप सीख लें, फिर आपके लिए थोड़ी सी लाइफ यहाँ पे इजी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, रमज़ान मुबारक, आई विल सी यू अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।